अर्थ क्षेत्र के भारत देश में इस होंडा सर्पणी काल संबंधी धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री वृषभदेव को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। तीन लोक और तीन काल संबंधी पांचों परमेष्ठियों को जो कि पंच परम गुरु स्वरूप अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु भगवंत है, उन सभी को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय पूज्य गुरु शांत सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। साधु परमेष्ठ के विषय में नियमसार ग्रंथ की 75वीं गाथा में लिखा है, वावार विप मुक्का चुप विहारा हणा सयारता निगंथाणि मोहा साहुते ईरिसाहुंती। वे प्रसिद्ध साधु ऐसे होते हैं असंयम की प्रवृत्ति से जो भली प्रकार मुक्त है, असंयमियों की प्रवृत्ति जो नहीं करते और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र और सम्यक तप, इन चार आराधनाओं में सदैव आसक्त रहते हैं, जो निष्परिग्रह हैं और मिथ्यात्व से रहित हैं ऐसे वे साधु परमेष्ठी होते हैं। फिर धवला की पहली पुस्तक में 33वीं गाथा के अंदर आचार्य लिखते हैं, सिंह गय विषय सिंह गय वसह मिय पशु मारुद सूरवही मंदरिंदु मणि खिदिउरगंबर सरिसा परम प्रेम गया साहु। परम पद के खोजी साधु परमेष्ठी होते हैं, यानी इस जगत में उनको और कोई नहीं और कोई वस्तु ढूंढनी नहीं है, केवल परम पद की खोज में लगे हुए हैं। कैसे हैं? तो सिंह के समान पराक्रमी हैं, हाथी के समान गंभीर हैं, वृषभ के समान शांत, मृग के समान अनासक्त है। जैसे हिरण जब घास चाहता है तब अगर पत्ता गिरने की भी आवाज़ आ जाए तो वो हवा से बातें करने लग जाता है, यानी इतने वेग से वो वहाँ से प्रस्थान कर देता है, उसको आसक्ति नहीं रहती हरित तृणांकुरों के प्रति, वहाँ से चला जाता है। तो वैसे साधु भी किसी स्थान विशेष के प्रति आसक्त नहीं होते, मृग के समान आए निकल गए। पशु के समान संग्रह रहित होते हैं, जैसे पशु संग्रह नहीं करते, फिर भी कुछ पशु सीख गए हैं मनुष्यों की संगति में संग्रह करना सीख गए। जैसे शहरों में जो गिलहरियाँ रहती हैं ना, वो सर्दियों के मौसम में पेड़ की खोल में मूंगफली के दाने और चने उन्हें इकट्ठा करके रख लेती हैं,
बाकी सामान्यतः कोई प्राणी कोई संग्रह नहीं करते, मनुष्य भरपूर संग्रह करता है। आप खुद अपने अलमारी में देख लो क्या क्या रखा होगा। अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। फिर मारुत वायु, वायु के समान निष्परिग्रह होते हैं साधु। वायु कुछ साथ लेकर के नहीं जाती, आती है बह करके निकल जाती है। हाँ, पुष्पों की जो सुगंध है उसको वो ले जा करके दूर फैला देती है, उसको पकड़ के नहीं रखती। ऐसी साधु भी हैं, आते हैं धर्म की सुगंध फैला जाता है और आगे चले जाते हैं। वायु की निस्संगता प्रसिद्ध है। एक श्लोक आता है कि सबसे हल्का कौन, तो बोले मांगने वाले। तो श्लोक में क्या कहता है, तृणं लघु तृणात् तूलं तूलादपि च याचकः वायुना किं नीतोऽसौ ममापि याचयिष्यति। तिनका बहुत हल्का होता है, वो जिससे चटाई बनती है ना, हवा आती है तो वो उड़ के कहीं से कहीं चला जाता है। तो तृणात् तूलं, और उससे भी हल्का वो अर्क तूल होता है। एक पौधा होता है मदार का, और फिर उसी का एक दूसरा भी बैंगनी रंग वाला भी एक आता है पुष्प, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है शनिवार को लगभग। तो उसका जो फल होता है हरे रंग का होता है, वो जब सूखता है तो उसके अंदर से रेशे 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 वाले बीज निकलते हैं। तो बोले तिनके से हल्का वो है। तिनके को तो हवा लगती है, लेकिन ये तो यूं ही उड़ता रहता है हवा में। और उससे हल्का कौन है, बोले उससे हल्का मांगने वाला है। तो मांगने वाला है तो तिनके को हवा उड़ा ले जाती है, अर्क तूल को हवा ले जाती है, लेकिन उस मांगने वाले को हवा क्यों नहीं उड़ा ले जाती। तो हवा बीच में बोलती है ममापि याचयिष्यति, मैं इसको अपने साथ इसलिए नहीं उड़ाती क्योंकि मेरे को इस बात का भय है कि ये मुझसे कुछ ना मांग बैठे। तो ऐसे अयाचक होते हैं साधु। और कैसे होते हैं, सूर्य के समान होते हैं, धर्म का प्रकाश फैलाते हैं। एक बहुत सुंदर गीत है, किसी ने संभवतः प्रदीप कवि ने लिखा हुआ है, हेमंत कुमार ने गाया है, हरिश्चंद्र तारामती मूवी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ये साधु पर लागू होता है, यानी साधु जगत के अंधकार को दूर करते हैं और प्रकाश फैलाते हैं। तो सूर्य के समान होते हैं साधु। और कैसे होते हैं, वही समुद्र के समान होते हैं। समुद्र रत्नों का भंडार होता है, इसलिए उसका एक नाम रत्नाकर है। तो साधु भी गुण रूपी रत्नों के भंडार होते हैं, इसलिए उनको समुद्र कहा गया है। और कैसे होते हैं, मंदर सुमेरु पर्वत जैसे। अब गहराई में समुद्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता और ऊंचाई में मेरु की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसी प्रकार साधु अंतर्मंथन की अपेक्षा से देखें तो फिर
तत्व के गूढ़तम रहस्य की गहराइयों में चले जाते हैं, और अगर उनकी ऊंचाई को देखें, ऊंचाई का अर्थ है उनकी विशालता, तो फिर वो सुमेरु पर्वत की बराबरी करते हैं। पर्वत में ऊंचाई होती है, गहराई नहीं होती है, समुद्र में गहराई होती है, ऊंचाई नहीं होती है, लेकिन साधु में दोनों चीजें होती हैं। और इंदुमणि कहते हैं चंद्रकांत मणि को, इंदु का अर्थ चंद्रमा है, तो चंद्रकांत मणि जो है उस पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती है तब उसमें से शुद्ध जल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार साधु पर जब आगम की किरणें पड़ती हैं तो उनके मुख से शुद्ध जिनवाणी प्रस्फुटित होती है। और क्षिति के समान होते हैं, क्षिति का अर्थ है धरती, पृथ्वी। पृथ्वी की क्षमा प्रसिद्ध है, कितने कितने उपद्रव करता है मानव, लेकिन पृथ्वी क्षमा कर देती है। तो साधु पृथ्वी के समान क्षमाशील होते हैं, क्षमा कर देते हैं। दुर्जन क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं करता, सज्जन क्षमा मांगने पर क्षमा करता है, और साधु बिना मांगे क्षमा करते हैं। पृथ्वी के समान क्षमाशील। फिर उरग, उरग का अर्थ होता है सर्प आदि, जो पेट के बल रेंग करके चलने वाले जीव, वो अपना निवास नहीं बनाते, बने बनाए निवास में कुछ समय रहते हैं फिर स्थानांतरण कर जाते हैं। जैसे सर्प है, आपको पता होगा कि सांप बामी में रहता है, बामी जानते हैं ना, वल्मीक, वो मिट्टी की रहती है ना, मराठी शब्द तो आप लोग जानकार हैं तो अच्छी बात है। तो सर्प उसमें रहता है, उसका निर्माण कौन करता है, व्हाइट एंट्स, दीमक जिसको कहते हैं, सफेद चींटी, तो उसमें रहता है फिर चला जाता कहीं। तो इसी प्रकार साधु अपने बनाए हुए मकान में नहीं रहते और न ही बनवाए हुए भवन में रहते। 46 दोषों से रहित, जैसे 46 दोषों से रहित ईष्णा समिति है, तो उस ईष्णा समिति में जिस प्रकार साधु शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार साधु शुद्ध वसति का भी ग्रहण करते हैं। जिस स्थान पर उनको ठहराया गया है वो भी 46 दोषों से रहित हो तब वहां पर साधु रहते हैं। और 46 में मुख्य रूप से आप देखें तो उद्गम दोष होते हैं जो श्रावक लोग के निमित्त से होता है, फिर कुछ उत्पादन दोष होते हैं जो साधु के निमित्त से होते हैं, कुछ धूम दोष होता है। धूम दोष में क्या होता है कि वो अपन स्वीकार तो कर रहे हैं लेकिन कषाय कर रहे हैं, जैसे भोजन स्वीकार कर लिया साधु ने भिक्षा में, लेकिन उसके बाद फिर उनकी आदत ही है, रोज अगर डांटेंगे नहीं श्रावकों को तो उनको सुकून नहीं मिलेगा, तो वो डांट फटकार करके ही जाते हैं। वो इसमें कहा है कि नहीं, ऐसा धुआं मत निकालो, जठराग्नि शांत हो गई ना। देखो सामान्यतः अग्नि को जब भी बुझाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, तो ये अग्नि बुझ गई, तो अब तुम साधु हो तो धुआं मत निकालो, तो वो धूम नाम का दोष है। फिर एक
अंगार नाम का दोष होता है। अंगार दोष मतलब ये है कि जैसे अंगार है उसमें आप जितना भी ईंधन डालो वो सारे ईंधन को भस्म करना उसका काम है। इसी प्रकार साधु को अगर कोई वस्तु इष्ट हो जाए आहार काल में, तो आचार्य ने कहा है कि इस चीज़ से बचना है आपको। तो अब कोई चीज़ पसंद आ रही है भोजन में, वही लेने लग जाए, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करोगे तो अंगार दोष लगेगा, आप सब कुछ लेते रहो, एक चीज़ में विशेष राग मत करो। फिर एक दोष है अप्रमाण दोष। अप्रमाण दोष का अर्थ होता है कि छह प्रकार के दोष हैं, उद्गम दोष, उत्पादन दोष, धूम दोष, अंगार दोष। फिर अप्रमाण दोष में क्या होता है कि एक प्रमाण बताया है शास्त्र में, संयमी का जो भोजन है वो आधा पेट ठोस वस्तु, एक चौथाई तरल और एक चौथाई रिक्त खाली छोड़ना है। तो इससे रोगों का प्रकोप नहीं होता, वात पित्त कब संतुलित रहते हैं, स्वास्थ्य बना रहता है। तो ये प्रमाण है, इसका उल्लंघन करने पर, कल उपवास करना है तो आज अच्छे से ले ले, ऐसा सोचकर अगर आज कल के उपवास की तैयारी में आप अतिरिक्त लेंगे तो फिर वो अप्रमाण दोष कहलाएगा। फिर छठा है संयोजना दोष। संयोजना में ऐसा है कि कभी कभी क्या है, भोजन ठंडा हो जाता है तो अब मन नहीं कर रहा है कि ठंडा ले, तो फिर कुछ गर्म चीज उसमें मिलवा लेते हैं, या फिर गर्म भोजन है तो उसमें कुछ ठंडा मिला लेते हैं। तो गर्म और ठंडे की संयोजना करने पर ये संयोजना नाम का दोष है। आपको समता भाव से लेना है, राजमार्ग ये है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ उल्लंघन किया, मान लो उद्दिष्ट भोजन की चर्चा चलती है, आज बड़े जोर शोर से लोग बोलते हैं कि उद्दिष्ट भोजन करने वाले साधु असाधु हैं, तो उनको किंचित स्वाध्याय करने की आवश्यकता है जो ऐसा बोल रहे हैं, और अपनी धारणा में संशोधन की भी आवश्यकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मूलाचार ग्रंथ में जो टीकाकार, संस्कृत टीकाकार आचार्य वसुनिधि सिद्धांत चक्रवर्ती हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि उद्दिष्ट दोष उतना बड़ा दोष नहीं है जितना हव्वा बना रखा है लोगों ने, वैसा इतना भयंकर दोष नहीं है कि उससे साधुत्व का क्षय हो जाता हो। वहां पर स्पष्ट लिखा है मूलाचार के 425वीं गाथा के आसपास उन्होंने लिखा है, औद्देशिक दोष सूक्ष्मोपि तत् परिहर्तु काम प्राह। ये उद्दिष्ट दोष सूक्ष्म लिखा हुआ है। सूक्ष्म दोष किसको कहते हैं? जैसे देशघाती कर्म होता है ना, वो पूरा घात नहीं करता आत्मा के किसी गुण का, लेकिन आत्मा के गुणों को दूषित करता है, किंचित दोष लगाता है, वैसे ये सूक्ष्म दोष है, ये सर्वघाती नहीं है। उद्दिष्ट भोजन से साधु असाधु नहीं हो जाते। और दूसरी बात कि जो साधु नहीं है वो साधु के विषय में गुणा भाग जोड़ेगा तो चूक हो जाएगी, या तो वो स्वयं उदाहरण बन करके बताए,
स्वयं दीक्षा लेकर के बताए कि साधु ऐसे होते हैं, और वहां भी अगर खींचातानी की तो उन्हीं को हानि होने वाली है। जैसे प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि अब आपने अगर चश्मे को परिग्रह मान करके अस्वीकार कर दिया तो इस परिग्रह की अस्वीकृति अहिंसा की स्वीकृति हो जाएगी, अहिंसा की अस्वीकृति हो जाएगी, हिंसा की स्वीकृति होगी। कैसे? क्योंकि आपकी आंखें जवाब दे चुकी हैं, आपको ठीक से नहीं दिखता, ये चिकित्सा विज्ञान से प्रमाणित है। तो ईरिया समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति, इन चार समितियों का पालन कैसे करोगे? तो ये मार्ग अधिक चतुराई का मार्ग है ही नहीं। एक रूसी दार्शनिक ने कहा था, विचारक ने, कि चतुराई दरबारी का गुण है, साधु का दोष। इसलिए साधु में भोलापन शोभास्पद होता है, चतुराई दोषास्पद होती है। तो इसलिए ये ज्यादा खींचातानी वाली बात नहीं है। और चूंकि जिनेंद्र भगवान कह गए हैं कि पंचम काल के अंत तक तीर्थ विच्छेद नहीं होगा, तीर्थ विच्छेद न होने का अर्थ क्या है? उत्तर पुराण में शीतलनाथ भगवान के चरित्र में गुणभद्र आचार्य महाराज ने तीर्थ विच्छेद की परिभाषा बताई कि जब वक्ता, श्रोता और व्रती तीनों का अभाव हो जाए तब समझ लेना तीर्थंकर के तीर्थ का विच्छेद हो चुका है। और महावीर भगवान के तीर्थ का विच्छेद नहीं है, सात तीर्थंकरों के तीर्थ का विच्छेद हुआ है हुंडाव सर्पणी के दोष से। पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्यांसनाथ भगवान, वासुपूज भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान, बस इतने तीर्थों का विच्छेद हुआ है, बाकी कभी भी तीर्थ विच्छेद नहीं हुआ। तो इससे स्पष्ट है कि व्रति होंगे, अणुव्रति महाव्रति दोनों अंत तक, और वो भी गुणस्थान वाले व्रति। द्रव्य व्रति की बात नहीं चल रही यहां पर, यहां पर भाव व्रति की बात है, मोक्ष मार्गी की संयमाचरण वाले व्रतियों की बात है। तो अभी तो बहुत लोगों की ये धारणा है कि मुगलों के समय तो मुनि महाराज थे ही नहीं, है ना। फिर कुछ लोगों की ऐसी भी धारणा है कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने मुनि परंपरा को फिर से प्रारंभ किया। आचार्य शांति सागर महाराज जी की ऐसी धारणा नहीं थी, स्मरण में रखिएगा, क्योंकि उन्होंने जिनसे ब्रह्मचर्य व्रत लिया था वो भी एक बड़े भारी साधु थे, सिद्धप्पा स्वामी। उन्होंने जिनसे मुनि दीक्षा ली थी वो देवप्पा स्वामी थे, वो भी साधु थे। हाँ, साधु होते हुए भी कुछ ऐसी क्रियाएं थी उनकी चर्या में जो शास्त्रों से समर्थित नहीं है, परंतु उन क्रियाओं के चलते हुए भी उनका साधुत्व निर्मूल विनाश को प्राप्त नहीं हुआ था। आचार्य शांति सागर महाराज के गुरु के विषय में जानते हैं? देवप्पा स्वामी। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, 17, और 105 वर्ष में उनकी संलग्न हुई थी। और जीवन में कभी उन्होंने 2 आहार नहीं किए।
आजीवन एक आहार एक उपवास किया। मतलब आम आदमी ने पता नहीं क्या समझ रखा है साधुओं को। यहां तक कि मानवता की मर्यादा का भी कभी कभी उल्लंघन हो जाता है। कोई सामान्य मनुष्य मिल जाए तब तो जय जिनेन्द्र आदि सब कर लेते हो, पर साधु अगर दिखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हो। तो इसमें आम जनता का ही सारा दोष हो ऐसा अपन नहीं कह सकते। कभी कभी उस वातावरण का भी प्रभाव होता है। जिस वातावरण में इस प्रकार की धारणाएं मनुष्य के मनोमस्तिष्क में डाली गई है, और प्रमाद इतना बढ़ चुका है कि कोई परिश्रम करके स्वाध्याय नहीं करना चाहता। अगर परिश्रम करके स्वाध्याय कर ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिनको ये बात समझ में आई, पहले एक धारणा थी उनकी, उसके बाद जब वो धारणा परिवर्तित हुई तब उन्होंने आंसू बहाए कि हम किनकी बातों में आ गए थे और कितना घोर पाप हमने कमा लिया अपनी गलत धारणाओं के कारण। उस पाप को अब हम कहाँ काटेंगे, ऐसा पश्चाताप हुआ है उन लोगों को। ठीक है, अब उनको अपना काम करने दो, अपन अपना काम करते हैं। तो आज की इस गाथा में वीरसेन आचार्य महाराज ने साधु के लिए रूपक अलंकार में बहुत सुंदर सुंदर विशेषण दिए कि वे साधु परम पद के खोजी होते हैं, और इतने सारे विशेषणों से युक्त सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान गंभीर, वृषभ के समान शांत, मृग के समान अनासक्त, पशु के समान संग्रह वृत्ति से रहित, वायु के समान निसंग, सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाले, समुद्र के समान गहरे, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे, चंद्रकांत मणि के समान शुद्ध, आगम रूपी जल को प्रवाहित करने वाले, पृथ्वी के समान क्षमाशील, सर्प के समान दूसरों के बनाए हुए स्थान पर निवास करने वाले, और अंबर सरीसा आकाश के समान विशाल। ऐसे साधु होते हैं। नमो लोए सद साहुल शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्ध वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब करें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म से मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मोक्ष सुख।